तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप के एक नए अपडेट के बारे में, क्या बोल सकते हैं कमाल के नए फीचर के बारे में। दोस्तों ये फीचर बहुत ही यूजफुल है, जो लोग अपना मोबाइल बार बार चेंज करते रहते हैं उनके लिए तो ये फीचर बहुत ही काम का है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, कुछ टाइम पहले या बोल सकते हैं कुछ टाइम तक ऐसा था कि हम व्हाट्सएप पर अगर कोई चैट को ट्रांसफर करते थे हमें तो बहुत इश्यूज होते थे और हमारी पूरी चैट ट्रांसफर भी नहीं होती थी। उसमें कुछ चैट तो डिलीट भी हो जाती थी या फिर किसी किसी की तो चैट बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होती थी। बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे। आज व्हाट्सएप ने क्या किया गया बोल सकते हैं, व्हाट्सएप ने भी कुछ टाइम पहले एक नया अपडेट रोल आउट कर दिया सभी यूजर के लिए, चाहे आप वीडियो यूजर हो चाहे नॉर्मल यूजर हो। आप अपनी व्हाट्सएप की चैट चाहे कितने भी मोबाइल आप चेंज करें आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड और आईओएस टू आईओएस। बहुत ही इजीली आप अपनी चैट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे आपको बताने वाला हूँ कहाँ मिलेगा, कैसे यूज करेगा, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे नई अपडेट आए सबसे पहले आपको मिलते रहे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की चैट ट्रांसफर को लेकर, कैसे आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप की चैट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और अपने व्हाट्सएप को लेटेस्ट अपडेट कर लेना है। चाहे आप नॉर्मल यूजर हो चाहे बीटा यूजर हो, व्हाट्सएप को अपना लेटेस्ट अपडेट पे आपको कर लेना है। लेटेस्ट अपडेट करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है थ्री डॉट्स पे और जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर जाना है चैट्स वाले ऑप्शन पे। चैट्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, नीचे आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन ट्रांसफर चैट्स करके, आपको दिख रहे होंगे ये पहले नहीं आता था, ये अभी रोल आउट किया गया है कुछ टाइम पहले ही। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बता रहा है ट्रांसफर चैट हिस्ट्री टू एंड्रॉइड फोन। ये एंड्रॉइड फोन है इसलिए एंड्रॉइड बता रहा है, अगर आपका आईफोन होता आईओएस तो आपको आईओएस के बारे में बताता। ठीक है, अभी काम कैसे करेगा, ट्रांसफर योर चैट हिस्ट्री प्राइवेटली एंड हैव योर मोस्ट अप टू डेट मैसेज विदाउट यूजिंग गूगल ड्राइव, सर्टेन डिवाइसेस परमिशन आर नीडेड टू कनेक्टेड योर डिवाइस। साफ साफ लिखा है कि आप अपने व्हाट्सएप के सारे मैसेज प्राइवेटली यहाँ पर अप टू डेट मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट गूगल ड्राइव के, और आपको करना क्या है, सिर्फ एक परमिशन देना है, इसको कुछ परमिशन देना है पहले यूज करने से पहले। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपसे वाईफाई एक्सेस की परमिशन मांगेगा, आपको वो दे देना है और यहाँ पर ये कैमरा ऑन हो जाएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाउनलोड व्हाट्सएप ऑन योर न्यू फोन, रजिस्टर विद द सेम फोन नंबर एंड यूज द फोन टू स्कैन क्यूआर कोड शो ऑन इन। तो अब मैं व्हाट्सएप को दूसरे मोबाइल पे पहले तो सेम नंबर से लॉग इन करता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बाहर आके बता दूं कि मेरे पास चैट्स देख सकते हैं आप, चैट्स कितनी सारी हैं और भी बहुत सारी चैट्स हैं, सारी चैट्स वहां पर आ जाएंगी। तो अब मैं दूसरे फोन के आ गया हूँ व्हाट्सएप पे। दूसरे फोन के व्हाट्सएप पे आने के बाद मुझे यहाँ पर करना क्या है, मुझे अपने सेम नंबर से लॉग इन करना है, जो वाला नंबर है आपको यहाँ एग्री है इस पर करना है और यहाँ पर फोन नंबर से लॉग इन कर लेना है। जैसे ही आप दूसरे मोबाइल में लॉग इन करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर चैट हिस्ट्री फ्रॉम ओल्ड फोन करके, आपको इस पर क्या करना है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वो आपसे परमिशन मांगेगा और आपको परमिशन पे यहाँ पर दे देना है, दो चार परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन यहाँ पर देना है उसको और जो जो चीज़ें ऑन करने को बोलेगा, जैसे वाईफाई ऑन करने को बोला आपने ऑन कर दिया, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्कैनर ओपन हुआ, आपको दूसरे फोन में वो जो स्कैनर पॉइंट था आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है और वहाँ पर आपको दिखता रहेगा स्टे ऑन दिस और यहाँ पर ये डाटा ट्रांसफर होने लगेगा। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको दिख भी रहा होगा सर्चिंग फॉर न्यू फोन और ये यहाँ पर डाटा ट्रांसफर होने लग जाएगा, स्टे ऑन द स्क्रीन करके ये ऑप्शन आपको दिखेगा और थोड़ी देर बाद आपका डाटा वहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करके ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होना चालू हो गया है। नीचे आपको दिख भी रहा होगा प्रिपेयरिंग और यहाँ पर भी दिख रहा है वेटिंग फॉर ओल्ड फोन, दोनों से ऐसे कनेक्ट करके ये चालू हो जाएगा और जैसे ये 100% कंप्लीट होगा आपका पूरा डेटा इधर से उधर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा जब आप इसको लॉग इन करेंगे या बोल सकते हैं, तब तो आपको करना क्या है, जब आप इसको दूसरे फ़ोन में कर रहे हो तो पहले आपको ट्रांसफर चैट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर उसको ऑन करके रखना है, उसके कैमरे को ऑन करके रखना है, उसके बाद ही दूसरे मोबाइल पे लॉगिन करना, नहीं तो वहाँ पर ये ट्रांसफर चैट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। मैंने 4-5 बार ट्राई करा उसके बाद जाके वो ऑप्शन वहाँ पर आया है। तो फाइनली पहले आपको उसको कर लेना है, पहले उसको होने देते हैं हम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फाइनली ये पूरा हो चुका है और पूरी चैट्स यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर लिखा भी है योर चैट हिस्ट्री एंड मीडिया आर नाउ अवेलेबल ऑन दिस फोन। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ आपसे परमिशन मांगेगा,
परमिशन देने के बाद जैसे ही आप इसमें नाम डाल के इसको आगे करेंगे तो आप देखेंगे मेरी पूरी चैट्स मेरे इस फोन में आ चुकी होगी और पूरा डेटा यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका होगा। मतलब कि आप देख सकते हैं सारी चैट्स यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करता। तो इस तरीके दोस्तों मेरी सारी चैट्स यहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी है मेरे दूसरे फोन में, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, और बहुत ही इजी तरीके से आप ये कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही व्हाट्सएप से रिलेटेड या कोई भी सोशल मीडिया से रिलेटेड नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना। और इतना कुछ कर ही लिया तो यार कमेंट और लाइक भी कर देना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू।